सार से देखने का वक्त तो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 400+। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करौली से हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज करौली में चुनावी रैली है। सरदार सिटी में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा। मुख्यमंत्री मंजुलाल शर्मा भी सभा में शामिल। और ये देखिएगा जो समीकरण है करौली के, इंदु देवी जाटव, वहीं कांग्रेस पार्टी से भजनलाल जाटव को मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब चुनावी सभा है करौली धौलपुर में। तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय कार्यक्रमों को देखते हुए खुद कलेक्टर पहुंचे थे और तैयारियों का जायजा उनके द्वारा लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी अभियान के दौरान की चौथी सभा है। शुरुआत 2 अप्रैल को की गई थी। कोटपुतली बहरोड पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का कार्य किया था और मिशन 25 को लेकर बीजेपी की रणनीति को भी साफ किया था। साथ ही साथ कहा था कि ये तो ट्रेलर मात्र है, अब आगे का जो कार्यकाल होगा वो विकास का कार्यकाल। और सिद्धार्थ सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा है। देखिए आपको जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 2 अप्रैल को पहुंचे थे कोटपुतली बहरोड, उसके पश्चात चूरू पहुंचे, चूरू में सभा हुई। चूरू में सभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र झाझड़िया जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उसे लेकर भी बात कही। कहा कि देवेंद्र के लिए नरेंद्र दिल्ली से आया है। उसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को पुष्कर पहुंचे और उसके पश्चात ये प्रधानमंत्री की चौथी सभा है जो कि करौली धौलपुर में रखी गई है। हुंकार प्रधानमंत्री भरेंगे। इंदु देवी जाटव को बीजेपी ने इस बार करौली धौलपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। और देखिए चर्चा हो रही है क्योंकि एक और तो महिला उम्मीदवार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को चुनाव के दौरान प्रतिनिधित्व देने की बात करती आई है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र भी भारतीय जनता पार्टी अपने भाषणों के माध्यम से करती है। जो फैसला हुआ है उसे भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक करार देती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात करती है। और वहीं इंदु देवी जाटव को एक तरफ पार्टी ने मैदान में उतारा है, पहली बात तो महिला उम्मीदवार की बात हो रही है और दूसरी तरफ इंदु देवी जाटव को मौका दिया है करौली धौलपुर से भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं उनके सामने भजनलाल जाटव है जो कि कांग्रेस पार्टी से पूर्व मंत्री भी रहे। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े। मनोज जानकारी दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करौली में करीब कितने बजे पहुंचेंगे, फिर आगे क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे प्रधानमंत्री के? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज करौली में चुनावी सभा है। करौली के समीप सिद्धार्थ सिटी है, वहां पर सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, इसके अलावा विशाल मंच और पांडाली बनाया गया है। प्रधानमंत्री के साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सभा मौजूद रहेंगे, जिनके लिए हेलीपैड राजकीय महाविद्यालय में बनाया गया है। भाजपा पदाधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री का करीब 2 बजे करौली पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो हेलीपैड से समीपी सभा स्थल पर पहुंचकर आम सभा को संबोधित करेंगे, साथ ही जो पूर्वी राजस्थान की 8 सीटें हैं इनको साधने का प्रयास करेंगे। मनोज, इसी बीच करौली और धौलपुर के सियासी समीकरणों को भी बताइएगा, इंदु देवी जाटव के सामने भजनलाल जाटव कैसा दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, भाजपा ने इंदु देवी जाटव को प्रत्याशी बनाया है, पूर्व में प्रधान रह चुकी हैं और उनकी एक निर्विवाद छवि जो है वो उनके लिए काफी फायदेमंद चुनाव में हो रही है। इसके अलावा जो भजनलाल शर्मा है जिनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव जो है पूर्व मंत्री जिनको प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, उनको सबसे बड़ा सामना पहले उनका जब टिकट घोषित हो रहा था तो कांग्रेस में अंतर्विरोध की स्थिति सामने आई थी। इसके अलावा जो बाहरी होने का, संसदीय क्षेत्र से बाहरी होने का एक नुकसान जो है वो उन्हें उठाना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति चुनाव में चौसर बनी हुई है। तो मनोज, इसी बीच इंदु देवी जाटव की चर्चा आप भी कर रहे थे और क्योंकि प्रधान भी रही है और जिला स्तरीय जो राजनीति होती है उसमें उनकी सक्रियता दिखाई दी थी और पंचायत स्तरीय भी, तो मनोज ऐसे में ये भी बताया जा रहा था, हालांकि सच्चाई क्या है इसे आप ही बताइएगा, कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री रही उनकी करीबी में उसे भी इनकी गिनती होती है, क्या वजह रही अब बीजेपी ने मैदान में उतारा, हालांकि पार्टी का व्यक्तिगत फैसला होता है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, इंदु देवी की जो छवि रही थी वो प्रमुख आधार बनी। इसके अलावा जो करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र है
इसमें भाजपा की इस बार मंशा थी जो नारी सशक्तिकरण की जो बात कही जा रही थी, तो किसी महिला उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जाए, इसी के चलते जो इंदु देवी हैं उनको यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया। बिल्कुल मनोज, आप ठीक ही कह रहे हैं। मनोज, इसके अलावा बताइएगा कौन कौन पहुंचेगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम है। इसके अलावा जो प्रदेश के मंत्री हैं वो सभा में पहुंचेंगे, जो सभा स्थल पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी काफी चाक चौबंद है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है, एसपी जी के अधिकारियों ने पूरी व्यवस्थाएं संभाली हुई हैं। इसके अलावा 7 आईपीएस अधिकारी, करीब 4 दर्जन एडिशनल एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी, इसके अलावा 6 दर्जन के लगभग जो है निरीक्षक उप निरीक्षक, के अलावा 1200 का लगभग पुलिस जाप्ता है वो तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। जो सीएम, जो प्रधानमंत्री का सभा स्थल है उसको नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, जहां पर किसी प्रकार का ड्रोन या किसी प्रकार के जो उपकरण उनके उड़ाने की पाबंदी रहेगी, और यदि कोई इसके उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच मनोज, क्योंकि हम तैयारियों को लेकर आपसे जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आप ये भी बताइएगा अभी तक कैसे रहे हैं करौली धौलपुर सीट के क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, करौली धौलपुर सीट की जहां तक बात करें, 2008 में जो प्रतिमन हुआ था उसके बाद में करौली धौलपुर संसदीय सीट का गठन हुआ था। 2009 में पहली बार यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, खिलाड़ी लाल बैरवा जो है वो सांसद बने थे। इसके बाद में जो दोनों चुनाव हुए उनमें जो डॉक्टर मनोज राजौरिया है और उनकी उनको जीत हासिल हुई थी, और एक तरह से एक बार यह सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में रही और 2 बार भाजपा के खाते में रही। इस बार मनोज राजौरिया को टिकट नहीं मिल पाया और उनके स्थान पर इंदु देवी जाटव को टिकट दिया गया है। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।